खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां उतराव थाना क्षेत्र के नीमी धरिया गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता को ससुराल जनों ने गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। सराय ममरेश गांव निवासी संगम लाल पटेल अपनी पुत्री प्रियंका 20 की शादी जून 2019 में नीमी थरिया गांव निवासी अशोक कुमार पटेल पुत्र नाथूराम जो नेवी मर्चेंट में नौकरी करता है उसके साथ की थी। मंगलवार की शाम प्रियंका के ससुराल के लोग उसके मायके फोन करके प्रियंका की तबीयत खराब होने की सूचना दी। सूचना पर पिता नीमी थरिया गांव पहुंचा तो देखा कि प्रियंका बेड पर मृत पड़ी मिली। उसके गले में रस्सी का निशान देख मायके के लोग दहेज के लिए गला घोटकर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष शिवी मौर्य फोर्स मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपित पिता पुत्र को पुलिस ने दबोच लिया है। हंडिया से एसके सिंह पटेल की रिपोर्ट। ये चूल्हा है, वो वाला चूल्हा है, इसमें वो वाला चूल्हा है। आप बताइए कैसे फांसी लग सकती है। संगम लाल पटेल बताइए। संगम लाल पटेल कहाँ के रहने वाले? सराय ममरेश के। आपकी लड़की यहाँ पे आई? हाँ सर। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ सर जाती हुई है, उसको मार के लेटाया गया था। अच्छा अच्छा। क्या इसमें आप थाने पर सूचना दिए? हाँ सर, सूचना दी। 112 नंबर गाड़ी आई थी, इंस्पेक्टर साहब आए थे थाने, गाड़ी जो है यहाँ से जो है नीमी थरिया से ले गए थाने पर। मारे हैं कि घटना हुई है उसके साथ? नहीं सर, मारे हैं, तभी तो निशान पड़ा हुआ है, शरीर में निशान है। किस लिए मारे हैं? सर दहेज के लिए मारे होंगे। दहेज हत्या किए? जी हाँ।